हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने इडली का खीरा लिया है। आधा मिर्चा काट के रखा है, उसमें डालती हूँ और सॉल्ट माप से नमक डालना है। लेना है पहले, थोड़ा राई डाल दिया, ये सफेद तिल और ये कड़ी पत्ता। जब राई चटकने लगे थोड़ी, ये मैंने वटाना, फ्रोजन वटाना भिगो के रखा है, स्प्राउटेड मूंग है, लाल मिर्च है। कांदा देखो थोड़ा हो गया, ये मैंने जो खीरा रेडी रखा है ना, अभी ये उसके ऊपर डालना है। जो फ्रोजन वटाना है ना, मैंने भिगो के रखा था, वो ऊपर से डाल दूंगी। थोड़ा देखो ऐसा सॉफ्ट हो गया। ये स्प्राउटेड मूंग भी डाल देंगे। अब इसको सेट अप दूंगे। पंद्रह मिनट तक स्लो गैस में, 15 मिनट तक स्लो गैस में रखना है। देखो अभी मैंने ओपन किया, थोड़ा हो गया है। इसमें खाली वटाना अभी डाला, गाजर डाल सकते हो और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपको पसंद है। मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके इसमें ले लिया। देखो देखो जैसे आसानी से जाएगा, नहीं तो पलटने जाएंगे तो टूट जाएगा। अभी उसको ऐसा पकने देंगे, देखो नीचे कच्चा है। अभी उसे पकने के लिए वापस ढक के 10 मिनट रखने वाले हैं हम। दस मिनट हो गई, अभी देख लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद काटना है, नहीं तो कच्चा निकलेगा। देखो अभी पूरा ठंडा हो गया, अभी उसे कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये देखो अभी मैंने कट किया, चटनी और सॉस के साथ खा सकते हैं इसे।
सीजर से कट किया तो और अच्छा हुआ। देखिए आपको कैसा लगा बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।